नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये 72 आवर्स के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैंसर यानी कर्क राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये रीडिंग 72 घंटे तक आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से लेके 72 घंटे तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैंसर यानी कर्क राशि। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैंसर यानी कर्क राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैंसर यानी कर्क राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि जजमेंट चैरियट 10 ऑफ कप्स। पूरी जो स्टोरी है ये क्लियर है, आप खुद ही देखो। अगर आप रीडिंग देखते हो तो पता है कार्ड्स के बारे में। ये इंसान रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अपने घर परिवार बच्चे रिश्ते सब वापस पाना चाहते हैं। इनको पता है ये कोई मतलब ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनको कुछ नहीं पता, इनको सब कुछ पता है। इनके पास वो पावर है, वो नॉलेज है, ये खुद के जो इमोशन है उसको बैलेंस करना भी जानते हैं। कोई मामूली कोई साधारण सा इंसान ये नहीं है, ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा वैकनिंग मतलब एक इनको स्पिरिचुअल वैकनिंग भी है। ये स्पिरिचुअलिटी को भी जानते हैं, ये अच्छा बुरा बुरे की समझ में है, समझ भी इनमें है। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर सीधी शब्दों में कहूँ करंटली इनका जो फीलिंग्स है ये रिकॉन्सिलेशन का फीलिंग्स है। ये आपके साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहता है। अगर रिश्ते में कोई गड़बड़ हुआ था, कोई परेशानी हुई थी, ये आपको पता है, आप ये रीडिंग सुनते हो सुन रहे हो। और ये उस परेशानी से रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि इनके पास हर चीज़ का नॉलेज है, ये रिश्ते की अच्छा बुरा हर वक्त को इन्होंने टटोला है। करंटली इनको रिश्ता वापस चाहिए, परिवार चाहिए, घर चाहिए, बच्चे माता पिता जो भी है जो भी था इनके पास रिश्ते के नाम पे, ये सारा कुछ इनको वापस चाहिए। इसके लिए ये इंसान मेहनत करने के लिए भी राजी है, गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है कि उनको ये रिश्ता मिल जाएगा। और इसके लिए ये इंसान दिन रात गॉड से प्रेयर भी कर रहा है, उनसे ब्लेसिंग्स भी मांग रहा है कि उनको वो पुराने दिन पुराने रिश्ते जो आपकी नज़र में हो सकता है ख़त्म हो गया है या फिर उनके नज़र में हो सकता है ख़त्म हो गया था, तो वो उसी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, दोबारा से अपनी परिवार को पाना चाहते हैं, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। करेंटली यही उनका करेंट फीलिंग्स है। कैंसर यानी कर्क राशि उनका करंट फीलिंग्स है, सीधी शब्दों में कहूँ दोबारा रिश्ते को मौका देना और रिकॉन्सिलेशन।
अभी देखते हैं ये चाहता क्या है। करंटली ये रिकॉन्सिलेशन की मूड में तो है, लेकिन ये चाहता क्या है? करंट फीलिंग्स यही है, ये आप लोगों को मिस कर रहा है। अगर इन रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व है, कोई तो है जिनका एनर्जी आ रहा है जिनमें बच्चे इन्वॉल्व है, तो वो बच्चे भी चाहते हैं एक कंप्लीट परिवार वो चाहते हैं। हो सकता है यही था उनके पास पहले, तो उसी को ही वापस चाहते हैं। अभी देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं इन 72 घंटे में, वो क्या चाहेंगे। करंट फीलिंग्स तो यही है, देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं इन 72 घंटे में, वो क्या चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि इन 72 घंटे में वो क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, इनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, पहले ही उनको सब कुछ पता है, ये कोई अनभिज्ञ इंसान नहीं है जिनको जिंदगी के बारे में पता ना हो, इनको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता है। वो चाहते हैं टू ऑफ कप्स, द सन का कार्ड, और क्या कहूँ मैं, और एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आने वाला है, नए मेहमान आने वाला है, तो उसकी तैयारी में ये आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर पहले से ही बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दोबारा से रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो इस रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन समझते हैं कि इन ये जो रिश्ता है आपके साथ उनका, ये कोई साधारण सा रिश्ता नहीं है। आप लोगों का कुंडली जो है ये भगवान ने मिलाया है, गॉड गिफ्टेड रिलेशन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, बहुत ज़्यादा इमोशन है आप लोगों में, प्यार है। वो रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, बाय हुक एंड कुक रिश्ते को दोबारा से जीतना चाहते हैं। जो इमोशनल जो फुलफिलनेस जो नहीं था, जिसके कारण रिश्ते से वो चले गए थे या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, अभी वो सारी चीज़ उनको पता लग गया है कि परिवार में ही सब कुछ है, जो चाहिए परिवार में मिल सकता है, बाहर कुछ नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है, उनके परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। वो इसीलिए दोबारा से परिवार को जीतना चाहते हैं, रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। क्या कहूँ, कितने बार कहूँ कि उनको अभी समझ आ गया है, दिस रिलेशन इज मेड इन हेवन। ये कोई ऐसे ऐरे गहरे रिश्ते नहीं है, ये दिल का रिश्ता है और भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इसीलिए ये चाहते हैं किसी भी तरह से रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, जो परेशानी थी वो ख़त्म हो जाए, आप लोगों में रिश्ता पहले जैसा हो जाए, यही चाहते हैं। 72 घंटे में इनका यही कोशिश रहेगा कि ये सब कुछ सही हो जाए। अभी देख लेते हैं कैंसर, अभी देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा, क्या 72 घंटे में वो कोई एक्शन लेंगे। कैंसर यानी कर्क राशि, क्या 72 घंटे में वो कोई एक्शन लेंगे। कैंसर यानी कर्क राशि, क्या 72 घंटे में वो कोई एक्शन लेंगे। कैंसर यानी कर्क राशि, क्या 72 घंटे में वो कोई एक्शन लेंगे। देख लेते हैं ये रिश्ता होना हो, शादी तो हो चुका है, किसी का एनर्जी आ रहा है, अगर नहीं भी है तो शादी जैसा ही रिश्ता है, कोई नया रिश्ता तो है नहीं, ये पुराना रिश्ता है। अगर शादी हो गया है तो पता ही है, बच्चे बच्चे तो है ही, बच्चे की कार्ड्स भी आ रहे हैं। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपका पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है इन 72 घंटे में, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं 72 घंटे में। कैंसर, देख लेते हैं आपकी पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये क्लैरिटी चाहते हैं रिश्ते में। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बट थोड़ा ईगो है इस इंसान में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ाई झगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा कुछ नहीं चाहते हैं।
ये क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो हो गया सो हो गया। रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत हुआ परेशानी, बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, अभी ये सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि पूरे चीज़ों को अपने प्यार से मेहनत से सही करना चाहते हैं, रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इनका जो अभी का जो इमोशन है, ये इमोशन इस रिश्ते में ही टिका हुआ है। ये लड़ाई झगड़ा, परेशानी, बात को घुमाना, बात को आगे पीछे करना, तुमने ये किया मैंने वो किया, वो सारी चीज़ों को ये छोड़ना चाहते हैं। उनका अगर मैं कहूँ इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा, वो कोशिश करेंगे कि रिश्ते को क्लैरिटी मिले, रिश्ते में नई शुरुआत हो, रिश्ते की जो परेशानी है, चाहे वो दिमागी परेशानी हो, चाहे वो कुछ और इमोशनल कोई परेशानी हो, ना समझी का परेशानी हो, बात बंद होना, कुछ भी, वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहेंगे। जिस भी कारण से रिश्ते में परेशानी आ रहा है, वो सारी चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इनका ईगो इनको थोड़ा रोक रहा है, वरना ये कब के ये सारी चीज़ सही कर देता। इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, क्योंकि ईगो के कारण ये सोच रहा है कि मैं जाऊँ कहूँगा बोलूँगा या बोलूँगी तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। इनको लग रहा है कि मैं बोलने से अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं मेहनत करूँ और इंतज़ार करूं, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्शन तो चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, परेशानी के बाद जो बहुत परेशानी के बाद जो चीज़ें सही होता है, इस तरह के सोच इनमें है और वो एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। अभी देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 72 घंटे के लिए यूनिवर्स जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, तब से लेके 72 घंटे तक ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। अभी देख लेते हैं 72 घंटे के लिए कैंसर यानी कर्क राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स जी की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी की तरफ से क्या गाइडेंस है कैंसर के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए 72 घंटे के लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर स्टार के कार्ड, डीप हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग और पेज ऑफ कप्स। अगर आप लोग खुद को हील करते हो, डीप हीलिंग करते हो और अपने मन से वो ईगो जो है, कार्ड्स में भी आया है, ईगो को हटा के अगर माफ़ी मांग लेते हो एक दूसरे से, जिसने भी जिसको परेशान किया है, अगर माफ़ी मांग लेते हो या माफ़ कर देते हो, तो न्यू बिगिनिंग होना तो लाजमी है, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा सकता है। इसीलिए खुद को थोड़ा ग्राउंड लेवल में ले जाके परेशानी को समझ के, गलती जिसने भी किया है, ये कोई जैसा बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे चैनलिंग हो रहा है बोलने के लिए कि कोई ये कोई छोटे बच्चे या कम बच्चे नहीं, मतलब कम समझदार इंसान नहीं है, ये जो भी है इनको सब पता है, मतलब क्या सच्चाई है, क्या भगवान के क्या ब्लेसिंग्स है, क्या नियम है प्रकृति के, क्या करने से हमारे जो चक्रास है वो बैलेंस होते हैं। अंदर से चीज़ों को महसूस करना बहुत बहुत सही तरीके से चीज़ों को समझना बहुत इनमें क्या बोले, एक हाई लेवल का इनमें मैच्योरिटी है इन लोगों में, जिसका भी एनर्जी आ रहा है। तो अभी उस लेवल में जाके आपको खुद को हीलिंग करना पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया, नई तरीके से शुरू किया जाए। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी, भगवान से बात कीजिए और माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना, इन दोनों में अगर आप बिलीव रखते हो तो न्यू बिगिनिंग तो होना ही होना है। परेशानी कुछ भी हो, अगर मैंने किसी को माफ़ कर दिया या फिर मैंने किसी से माफ़ी मांगी और वो मुझे माफ़ कर दिया, तो कितनी भी परेशानी हो वो ख़त्म हो जा सकता है।
तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।